ड्यूरेशन वाला करा दो, क्लियर है सर? चलिए मैं एक ना ड्यूरेशन वाला पॉइंट क्लियर कर दूं आपको। तो ड्यूरेशन वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये रहा ड्यूरेशन वाला। आपके मेरे ख्याल एक या दो सवाल होंगे, ड्यूरेशन और मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट है। कैसे कराएं, कैसे कराएं, कैसे कराएं? चलिए कॉल इट्स ड्यूरेशन, YTC है ये तो। इक्कीस है, पांच साल। चलिए इससे पहले वाला है 19। आपके दो सवाल है, 19 भी है, 21 भी है। कैलकुलेट बॉन्ड प्राइस। चलिए मैं अभी ये वाला सवाल आपके सामने कर दूंगा, सिंपल सी बात है। अब आपको सिंपल सी बात समझनी है, मैं इसको समझाऊंगा कब, एक बार पहले मैं सॉल्व कर दूं, सॉल्व करके सिखा दूंगा, फिर मैं इसके अंदर समझा दूंगा। यहाँ पे दो मेथड्स, दो फॉर्मूले हैं, यहाँ पे दो मेथड, दो फॉर्मूले हैं कि वहां पे दो मेथड, दो फॉर्मूले हैं, ठीक है? तो एक है हमारा मॉडिफिकेशन, पहले मैं मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, सिंपल वाली बात कर रहा हूं। जो हमारा फॉर्मूला होता है सर, ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड, ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। मैं बुक के अंदर मैं देख पा रहा हूं थोड़ा अलग तरीके से करा हुआ है, लेकिन हम बुक वाले फॉर्मेट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। आंसर ठीक आएगा और वो मार्केट में एक्सेप्टेबल भी है, यानी एग्जामिनर वो एक्सेप्ट भी करता है, तो मैं उसके हिसाब से आपको कराने जा रहा हूं। बिल्कुल बुक के तरीके से मैं नहीं कराऊंगा। तो इसका फॉर्मूला है आपका सिग्मा, या फिर मैं एक बार सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। अब सर क्वेश्चन मार्क ही आता है सर, सिग्मा डब्ल्यू और सिग्मा डब्ल्यू एक्स क्या है? चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर, सबसे पहले लिखेंगे ईयर, एक दो तीन चार पांच, ओके सर। ईयर के बाद लिखेंगे हम निकालेंगे, इसको लाइन ही खींच देते हैं, ईयर के बाद हमारे पास गिवन है आरसी, कूपन रेट, कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में? दस 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 दस, टेन परसेंट रेट है कूपन रेट, तो कैश फ्लो दस दस, ठीक है। हम यहां पे ले लेते हैं कैश फ्लो, तो क्योंकि मैं यहां पे ए का निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है? ए का हमारा 100 रुपये फेस वैल्यू है, इस पे कूपन रेट 10 है, तो पहले साल कैश फ्लो कितना होगा हमारा? 10 होगा, दूसरे साल 10 होगा, तीसरे साल 10 होगा, चौथे साल 10 होगा, पांचवें साल हमारा रिडीम हो जाएगा। कितने का रिडीम होगा? ये 10 रुपये तो इंटरेस्ट मिलेगा प्लस 100 रुपये मिल जाएगा, तो पांचवें साल आ जाएगा 110। पहले तो इस वाले कैश इनफ्लो समझ में आ गया, फिर हम निकाल लेंगे जैसे पहले करते थे फिर हम निकाल लेंगे पी वी एफ टेबल, ठीक है?
अब पीवीएफ वाईटीएम की हेल्प लेके निकालेंगे, ये वाईटीएम की हेल्प लेके निकालेंगे इसके हेल्प से 5 सालों का, ठीक है। तो पीवीएफ निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कहाँ गया, जरा पीवीएफ निकाल लेते हैं 5 सालों का, तो 14% है, 1 डिवाइडेड बाय 1.14, 1 साल 0.877, 2 साल 0.769, 3 साल 0.674, 4 साल 0.592, 5 साल 0.519, ठीक है। यहां तक क्लियर है, 0.519। अब हम क्या करेंगे, हम इसको नाम दे रहे हैं W, इसको नाम दे रहे हैं, सॉरी इसको नाम देते हैं, अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक मिनट, ईयर को नाम दे देते हैं, इसको नाम X दे दो और इसको नाम W दे दो, ठीक है। W तो ये नहीं होगा, हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हमारा W ये आ जाएगा, X ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम पहले इस कॉलम को, मैं अभी लिख नहीं रहा, मैं एक बार फॉर्मूला को लिख के फिर समझा दूंगा आपको। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगी, ठीक है, इससे मल्टीप्लिकेशन इससे कर देंगे। मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा, फिर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये आ गया हमारा 8.77, 7.69 और 6.74, 5.92 और 0.519 इंटू में 110, ये आ गया 57.09। इनका टोटल कर लेंगे, तो एक बार 8.72 प्लस 8.72 प्लस में 7.69 प्लस 6.74 प्लस 5.92 प्लस 57.09, ये आ गया 86.16, ठीक है। एक और कॉलम ड्रॉ करते हैं, सर अब किस चीज का कॉलम ड्रॉ होगा, इसको प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। डब्लू टी हम इसको मान लेते हैं W, और अब हम W इंटू टी मतलब हमारा इसको T मान लेते हैं। मैं थोड़ा इसको X की जगह पे मैं इसको T लिख दूं W इज इक्वल टू टी इंटू में पीवीएफ, ऐसे कर देते हैं, और आ जाते हैं। अब डब्ल्यू टी निकालना होगा, तो 8.77 इंटू में 1, 8.77, 7.69 इंटू में 2, 15.38, 6.74 इंटू में 3, 20.22, 5.92 इंटू में 4, 23.68, 57.09 इंटू में 5, 285.45। अब ये हमारा आ गया डब्ल्यू टी, ये आ गया डब्ल्यू टी, तो 8.77 प्लस 15.38 प्लस 20.22 प्लस 23.68 प्लस 285.45, ये आ गया 353.5। अब फॉर्मूला अप्लाई करके मैं निकाल देता हूँ, क्या आएगा सर, डब्ल्यू टी आ जाएगा 353.5 डिवाइडेड बाय 86.16 डिवाइडेड बाय 86.16, ये आ गया 4.10 परसेंटेज। चलिए सर अब इसको समझने का टाइम आ गया। अभी जो मैंने फाइंड किया है, अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने ए पार्ट फाइंड किया है, आपका ए पार्ट। सर फॉर्मूला क्या कहता है, आपका ड्यूरेशन, मतलब सर जो हमारे ये पूरे ड्यूरेशन दे रखा है, इस ड्यूरेशन में हमारा क्या परसेंटेज होना चाहिए, एक तरीके से क्या रेट मिलना चाहिए। तो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं,
हमने क्या करा यहां, सबसे पहले ईयर लिखा, कैश इनफ्लो लिखा। कैश इनफ्लो कैसे आएगा सर? कैश इनफ्लो आपने यहां से निकाल लिया इंटरेस्ट से। पीवीएफ लिखा, फिर ये डब्ल्यू आया सर, इसको नाम दिया हमने एक्स दे दिया, इसको नाम मैं टी दे देता हूं। ये हमारा क्या है सर? टी है। और सर डब्ल्यू क्या होगा सर? डब्ल्यू होगा टी इंटू में पीवीएफ, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। और डब्ल्यू टी क्या होगा? इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेट आ जाएगा। तो हम इसके ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल फॉर्मेट पे जाएंगे तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम है उसके अंदर, वहां पे समझने में काफी टाइम लगेगा और एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। आपकी किताब में भी एक या दो क्वेश्चंस गिवन है, आपको सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मेट को फॉलो करके इसको कर लेना है। दैट इज आपका ये, और ये 100% ऑथेंटिकेट है, ऐसा नहीं कि गलत आएगा। तो बी वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क में रहेगा, सेम अप्लाई करेंगे। इसका आंसर अगर आप मेरे से पूछोगे तो 3.75 है, 3.75 आप अपने किताब में चेक कर सकते हो। पहले का आंसर 4.1 ही आ रहा है, तो एकदम सेम, पॉइंट एक दो पॉइंट का आगे पीछे हो जाए तो फर्क नहीं है सर। CF इंटू PVF सर, फिर तो W का कैलकुलेशन रॉन्ग है। W का क्या कैलकुलेशन रॉन्ग है बताइए मुझे, W इज इक्वल टू, हाँ आप बोल सकते हो CF PVF, मैंने टाइम PVF कर दिया है, वो W गलत है सर। W में क्या गलत है बताओ, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ है, किसमें है मुझे बताओ। किसमें एरर आ रहा है बताइए, मल्टीप्लाई में, कौन से वाले ईयर का? मैंने क्या करा, W इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8.7 ही आएगा, 7.69 आएगा, 6.74 आएगा, 74 ही है, 5.92 आएगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक एक पॉइंट आगे जाएगा। सही तो है, आप बताइए क्या गलत है। कैश फ्लो से पीवीएफ को किया है, हाँ आप, अच्छा इधर चला गया थोड़ा ये मैंने, ओके यहां गड़बड़ हो गया, ये बोल रहे हैं, ये गलत लिख दिया मैंने यहां, यानी W इज इक्वल टू कैश फ्लो इनटू में पीवीएफ, सही बोल रहे थे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, और यहां पे डब्ल्यू टी में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। अब ठीक है चलिए एक और फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला इसका सर, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसी का मॉडिफिकेशन ड्यूरेशन बॉन्ड है, ड्यूरेशन बॉन्ड क्या कहता है, माइनस में कर दो ड्यूरेशन और वन प्लस में कर दो YTM। जस्ट एक फॉर्मूला है, इसको हम समझेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, काफी टाइम भी लगेगा और इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं इसको जस्ट करवा रहा हूं। अगर इसी सवाल का मैं मॉडिफिकेशन पूछूं तो क्या जवाब होगा, इसी सवाल का अगर मैं मॉडिफिकेशन पूछूं, बताने को तो एक घंटे भी खींच सकता है लेकिन फायदा नहीं है उसका। इसी सवाल का मॉडिफिकेशन पूछूं तो माइनस करेंगे तो -4.10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में YTM क्या है 14 है, तो 1 प्लस में 14 तो ये आ जाएगा 4.1 डिवाइडेड बाय 15 तो इनटू में 100 14। इसमें मॉडिफिकेशन का कोई भी नहीं है क्या? लंबी चौड़ी बस कहानी दे दी इसने, तो मॉडिफिकेशन का सवाल तो होना जरूरी है। हाँ मैं वही कंफ्यूज, तो 14% है ना, 4.10 डिवाइडेड बाय 1.14। अब ठीक, तो सर ये जवाब आ गया
माइनस का 3.59, ये आपका, मैंने 14 ले लिया, वही मैं चेक कर रहा था कि 14 है, ये है ड्यूरेशन 14.14, ये ड्यूरेशन है। तो हमारे ड्यूरेशन वाले में बस यही फॉर्मूला यूज होना है, यानी सर जो मॉडिफिकेशन वाला है उसके लिए पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, और YTM तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हो, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्रेडिट रेटिंग, जो कि मैं अलग से कराऊंगा, क्रेडिट रेटिंग का थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती है, और क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है, जैसे कि आपका सिविल स्कोर, आपने देखा है सिविल स्कोर, अगर आपका रेटिंग अच्छा है तो आपको लोन मिलेगा, सिविल स्कोर अगर नहीं अच्छा है तो नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से हर बॉन्ड का एक रेटिंग होता है, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट की कुछ एजेंसी डिसाइड करती है, तो वो हमारा क्रेडिट रेटिंग के काउंट आता है। अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छा है तो बॉन्ड अच्छा है, जैसे ट्रिपल ए यहाँ पे स्टार्ट होता है, ए प्लस, डबल ए प्लस, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो एक बार मैं सवाल के ऊपर नजर मार लेता हूँ, कौन कौन से सवाल आपको होमवर्क देने लायक है, स्टार्टिंग से मैं देख लेता हूँ, अभी भी थोड़ा सा रह गया, इसकी और कोई लाइव क्लास नहीं होगी, ये रिकॉर्डेड क्लास में चला जाएगा, एक दो पॉइंट जो छोड़ दिया है, जितना एग्जाम में आने लायक है वो सब हम कर चुके हैं। देखिए ये भी हो गया, 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 मैं याद कर लूँ, ये भी हो चुका है, YTM हो गया, बस ये मेरा एक काम है, कन्वर्टेबल ये मेरा है, ये मैं क्लास में हो जाएगा ये। सर यहाँ पे आपका ये हो चुका है, वैसे होमवर्क आज ही करा है हमने, जो कि था आज कर चुके हैं, वैसे होमवर्क दे दिया। चलो 12 होमवर्क, एडवाइज वेदर द शुड बाय बॉन्ड इट्स रिक्वायर्ड रेट रिटर्न 13%, व्हाट बिट विल द रिडीमेबल आफ्टर इन्वेस्टमेंट, ये होमवर्क में रिवाइज, ये नहीं करना अभी, इसके मैं क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करके दूंगा, रिवाइज वाला भी नहीं करना, इसके अंदर एक बताना है, ये होमवर्क रहेगा सर, ये भी होमवर्क है। देखो फटाफट से होमवर्क वाले मैं लिखता जा रहा हूँ, आपको जब मिलेगा तो आप कर लेंगे, ये तो कर ही लिया सर, ये भी एनालाइज रिटर्न 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 इफेक्टिव एज्यूम दैट द इंटरेस्ट, ये भी होमवर्क है, ज़्यादा सवाल है नहीं, ये भी होमवर्क में गया, ये भी होमवर्क है, कॉल ड्यूरेशन वाला आ गया सर, ये तो कर ही लिया, सॉल्व प्रॉब्लम में आ जाओ सर, होमवर्क होमवर्क होमवर्क, सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, होमवर्क HPR तो कराइए अभी, होमवर्क होमवर्क YTM बॉन्ड, 3000 होमवर्क, एक बार रीड करोगे, रीडेबल पॉइंट है ये, होमवर्क होमवर्क, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं, ऑल तो आ जाओ, ये हो गया हो गया, होमवर्क बॉन्ड वैल्यू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉन्ड वैल्यूएशन एंड, ये तो अलग आ गया, व्हाई वैल्यू इज डिफरेंस, होमवर्क, कुछ पार्ट आपको रीड भी करना पड़ेगा, मैं इस सभी के सॉल्यूशन डाल दूंगा इसके अंदर, जिसके पास बुक नहीं है वो कर लेंगे, शुड द स्कीम एक्सेप्टेड होमवर्क 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 होमवर्क, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए आपके, ये प्रॉब्लम वाले मैंने कराए नहीं, सिमिलर सिमिलर थे, ये आप होमवर्क में कर सकते हो, जैसे अज्यूम दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रेट व्हाट शुड बी द सेल बॉन्ड, करना है नहीं करना, छोटे छोटे से डिसीजन है उसके ऊपर है, होमवर्क होमवर्क बॉन्ड होल्ड टिल मैच्योरिटी, होमवर्क 1% डिक्रीज यील्ड बॉन्ड होमवर्क, 23 YTM होमवर्क, बस ये सारे के सारे होमवर्क में, लगभग लगभग एक आध क्वेश्चन जो है वो हम कर लेंगे, ठीक है। सर रिकॉर्ड कब तक अपलोड होगी, रिकॉर्डिंग अपलोड आपकी कल हो जाएगी, इसके जो जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि ये आपके डाउट आ सकते हैं, तो कल अपलोड हो जाएगा आपका ये रिकॉर्डिंग वाला सेशन,
इसके बाद एक चैप्टर इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, और ये परसों या कल ही अपलोड हो सकता है चैप्टर नंबर 5 और 6, छोटे से चैप्टर है, इसको देख के कल या परसों में आपके ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लासेस अब आपके रेगुलर बोल रहे थे बच्चे, क्योंकि 15 तारीख है, आज 8 तारीख हो गए, 7 दिन है मेरे पास, रेगुलर लेके मैं खत्म करूंगा, हर दिन एक चैप्टर में अपलोड मारता जाऊंगा। 15 तक डेडलाइन है तो 15 तक सिलेबस खत्म कर लेंगे। 8वां चैप्टर जो है वो बड़ा ही आसान चैप्टर है, एफएम से रिलेटेड है, डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड है, तो मैं जल्दी खींच के खत्म कर दूंगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगा। इसके बाद 9वां चैप्टर, बड़ा चैप्टर हमने पहले कर लिया था, जो मैंने कहा आपको कि सर एक चैप्टर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा डेरिवेटिव में। क्लियर है? चलिए सर,